Hello everybody, good morning. Welcome back to the YouTube session organized by Grade Up. I welcome all the students who have joined through the app and also through the studio. Yes. Quickly tell me that is my voice audible and is screen visible to you all? Is voice audible and is screen, the PPT, is visible to you all? Hello Aditi, Pooja, Harshit. Main bilkul theek hu, aap batao, aap log kaise ho? Everybody good? Thank you so much for asking, dear. Okay. Hello, Vishwadeep. Now, before proceeding, students, quickly press the like button. Jaldi se ek bari like karo, sab log. Aaj ki class bahut important because hum log kuch important questions ko lekar aaye hain, which is on the concept of big data. All right, so अभी इस क्लास के अंदर बिग डेटा के कुछ बेसिक्स को डिस्कस करूंगी अलॉन्ग विथ सम ऑफ द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड जिसमें हम बिग डेटा के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं. हाय मनीष, हाय दिंकर, हेमा, यस आरती, अभी कुछ एग्जैक्ट नहीं बोल सकते. ओके, सो व्हाट इज द बिग डेटा? सबसे पहले तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से स्टार्ट होता है कि बिग डेटा क्या है. बिग डेटा का मतलब क्या होता है? स्टोरी आपकी स्टार्ट होती है एसक्यूएल से. रिमेंबर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यूएल पढ़ा था जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि हमारी ये स्टोरी 1970 से स्टार्ट हुई थी वेयर अ रिसर्चर नोन एज ईएफ कॉड ही इंट्रोड्यूस्ड द स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा. राइट, एंड दैट स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ओके, सो दिस structured way of representation is known as SQL, that stands for structured query language. All right, so इसके बाद ये जो structured way हमारे पास था, इस structured way को अभी हम लोग नहीं use करते. This is not used. 90% हम इसे use नहीं करते. Presently हम सिर्फ 10% of structured data को access कर रहे हैं. बाकी जितना भी data हमारे पास system पे online available है, internet के ऊपर available है, that 90% of the data is unstructured. Right, so that data is the unstructured data. Hello, Kavita, Mansi, Archana. Yes, 7th October ko notice to hai. Let's see what happened. All right, so the 90% data which is present on the internet is unstructured. Why? What is the meaning of this unstructured data here? This unstructured data includes your photos, your videos, also the text. Now, I'm not saying ki text nahi hota iske andar. Text hota hai, but thoda. Theek hai? Or mostly in unstructured data ke andar koi format nahi hota. There's no format. जैसे स्ट्रक्चर डेटा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, दैट इज द टेबल राइट, बट हियर वी डू नॉट फॉलो एनी स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. सो व्हाट इज द बिग डेटा? व्हाई वी आर यूजिंग द टर्म बिग डेटा? बिकॉज द ऑपोजिट और द कॉरेस्पॉन्डेंस टू दिस बिग डेटा इज द स्मॉल डेटा. एंड व्हाट इज द स्मॉल डेटा? स्मॉल डेटा यही है जो आपका यहां पे सेव होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा एसक्यूएल के फॉर्म से, जिसे हम लोग सेव करते हैं.
ओके सो ये स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है ये स्मॉल डेटा है आपका, जिसको हम लोग सिंपल सेव करते हैं एमबी केबी जीबी टीबी, है ना। यूजुअली हम एमबी जीबी एंड टीबी में इसको सेव करते हैं, बट अगर हम लोग बिग डेटा की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बहुत मेजर बड़े यूनिट्स आ गए हैं, दैट इज द पीटा बाइट, बिकॉज ये स्मॉल डेटा को सेव करने के लिए है। दे ऑल आर यूज टू स्टोर द स्मॉल डेटा, राइट। सो हमारे पास पीटा बाइट, एक्सा बाइट, राइट, देन जीटा बाइट, ये सारे बाइट सब हैं जो कि इनसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, या आप कह सकते हो थाउजेंड्स ऑफ टेरा बाइट इज पीटा बाइट, थाउजेंड्स ऑफ पेटा बाइट इज एक्सा बाइट, थाउजेंड्स ऑफ एक्सा बाइट इज जेटा बाइट। हेलो हर्षित, मैंने आपको रिप्लाई करा था डियर, आई सेड आई एम गुड, यू आस्क मी दैट हाउ आर यू, आई एम गुड डियर। ओके सो दिस इज द डेटा, दिस इज द स्टोरी फॉर द बिग डेटा। एंड ये हम बिग एंड स्मॉल टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइज की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ, इन सबके ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बोला जो स्मॉल डेटा है या फिर आपका जो एसक्यूएल होता है, इन शॉर्ट आप ऐसे बोलो कि जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है उसका रिप्रेजेंटेशन आपका मेगाबाइट गीगाबाइट टेराबाइट के अंदर होता है, और जितना भी हमारे पास बिग डेटा होता है उसका रिप्रेजेंटेशन हमारा पीटाबाइट एक्साबाइट जीटाबाइट के अंदर होता है, बिकॉज ये इसके बहुत बड़े कैपेसिटी के हैं। एंड व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म बिग, बिकॉज दिस बिग टर्म रिप्रेजेंट्स द साइज, है ना। ज्यादा अमाउंट ऑफ डेटा अगर हमें सेव करना है, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, दैट ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इज नोन एज बिग डेटा। एंड एंड द ट्रेडिशनल डेटा जिसके अंदर हमारे पास टेक्स्ट होता था, नॉट इज सिंपली द स्मॉल डेटा। व्हाई? बिकॉज उसकी जो कैपेसिटी है डेटा की वो कम है, वॉल्यूम डेटा का कम है, ठीक है। सो इसकी जरूरत हमें पड़ी क्यों, क्यों हमें ये बिग डेटा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, बिकॉज जो हमारा मॉडर्न टाइम्स है, आई मीन फ्रॉम पास्ट 4 to 5 years, इस पास्ट 4 to 5 years के अंदर हमारा जो डेटा है वो 90% इंक्रीज हुआ है, मतलब डेटा बढ़ गया है, इतनी ज्यादा स्पीड से बढ़ गया है। और वो बढ़ने का रीजन आपका फेसबुक, राइट, आपके पास गूगल, YouTube, ठीक है, और जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इसका रीजन है, जिनकी वजह से हमारा जो 90% डेटा है वो पास्ट 4 to 5 years के अंदर इंक्रीज हुआ है, राइट। एंड दिस एमबी जीबी टीबी, दिस स्टोरेज कैपेसिटी इज स्मॉल, इसमें हम बहुत ज्यादा डेटा नहीं रख सकते कंपेयर टू दैट जितना हम बिग डेटा के अंदर सेव कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ डेटा था वो इंक्रीज हो गया। अगर वॉल्यूम ऑफ डेटा इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली इनकी जो यूनिट्स हैं जिसमें हम डेटा को सेव करते हैं वो भी आपकी चेंज हो गई। ओके, अब बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो डेली बेसिस पे प्रोड्यूस होता है गूगल के अंदर, फेसबुक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं हमारे पास, मिलियंस ऑफ वेब पेजेस हैं जो डेली बेसिस के ऊपर फेसबुक पे अपलोड हो रहे हैं। आप खुद सोचो प्रैक्टिकली कितने सारे हमारे पास फोटोज हैं, आप फेसबुक पे अपलोड करते हो, आप यूट्यूब पे कितनी वीडियोज अपलोड करते हो, अभी और आ गया इंस्टाग्राम आ गए, स्नैपचैट आ गए, हाँ वॉट इज दैट, इनको जो कंट्रोल करने वाला सर्वर है उन सर्वर के ऊपर वॉल्यूम ऑफ डेटा इंक्रीज हो गया, राइट। वॉल्यूम ऑफ डेटा उस सर्वर के ऊपर इंक्रीज हो गया, अगर वो इंक्रीज हो गया दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड बाय द स्ट्रक्चर्ड वे, दैट कैन नॉट बी हैंडल्ड। एंड ऑल्सो द सर्वर विच इज यूज्ड हियर, द सॉफ्टवेयर विच वी आर एक्सेसिंग फॉर द स्मॉल डेटा, दैट सॉफ्टवेयर बेसिकली आर जैसे एसक्यूएल सर्वर हो गया आपका स्मॉल डेटा के लिए, या फिर आपके पास ओरेकल हो गया, राइट। बट यहां पर जब हम बिग डेटा की बात करते हैं तो यहां पर हम लोगों को यूज करना पड़ता है हडूप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास के अंदर, विच आर द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन, हडूप कॉन्सेप्ट। ऑल्सो ऑल्सो स्पार्क इसके अंदर एक और आता है, मैं इसमें डिफरेंस भी बता दूंगी आपको कि हडूप
और स्पार्क में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है? क्योंकि हैंडल करने के लिए हम लोग अगर इन सर्वर्स को हैंडल देंगे, इनका इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग डेटा को हैंडल करेंगे, दे कैन नॉट हैंडल दैट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट? कैपेसिटी बहुत ज्यादा चाहिए ना. अगर अमाउंट ऑफ डेटा इंक्रीज हो गया, सो डेफिनेटली वी नीड अ लार्ज स्पेस टू स्टोर दैट डेटा, एंड दैट सॉफ्टवेयर विच कैन हैंडल द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दे आर द हडूप, स्पार्क, देयर सो मेनी, राइट? बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, दैट इज द क्वेश्चन विच यू कैन एक्सपेक्ट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ हडूप. ओके. Also, the data which is stored in the small database, jitna traditional database ke andar data save hota hai, ya fir aap ye bol sakte ho structured database mein jitna bhi data save hota hai, that data is centralized. सेंट्रलाइज का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप एक कॉलेज के अंदर पढ़ते हो, ठीक है? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो कॉलेज में स्टूडेंट्स का जितना भी डेटा है उसको एक लोकेशन पे सेव करा ना, लोकली सेव्ड है वो. ऑल राइट, दैट डेटा इज सेव्ड लोकली. जैसे कि आपका स्टूडेंट का डेटा हो गया यहां पर, या फिर आप लाइब्रेरी का डेटा भी ले सकते हो. लाइब्रेरी भी आपका इंफॉर्मेशन को लोकली सेव कर रहा है. बट अगर हम लोग कॉन्सेप्ट हडूप की बात करते हैं, या फिर हम लोग बिग डेटा की बात करते हैं, तो यहां पर जो डेटा है इज डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इज नॉट सेंट्रलाइज्ड. रीजन बताओ भाई जल्दी क्विकली इसका. हेलो साधना, गुड मॉर्निंग. हर्षित, आई नॉट रेड एनी अदर मैसेज, आई नॉट रिसीव्ड एनी अदर मैसेज एक्सेप्ट दिस फॉर विच आई हैड ऑलरेडी रिप्लाइड. ओके, ऑलराइट. सो डेटा विच इज प्रेजेंट इन द बिग डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑलवेज. रीजन भाई, इसका रीजन है ट्रैफिक जैम. बिकॉज अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा है, अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो आपके पास ट्रैफिक जैम हो जाएगा, राइट? सो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डेटा को. So, आपको पूछ सकते हैं कि डेटा सेंट्रलाइज्ड होता है हडूप के अंदर या डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये हमेशा सॉफ्टवेयर्स जो है डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करके रखते हैं. अगर एक ही साइट के ऊपर सेव करके रखेंगे तो उससे क्या है कि आपके पास डेटा ट्रैफिक जाम करेगा, लोड पड़ेगा ना उस लोकेशन के ऊपर. अगर बहुत ज्यादा लोड इंक्रीज होगा तो डेफिनेटली हमारा डेटा की एक्सेसिंग स्लो हो जाएगी, और वो हम नहीं चाहते. आप एक बात सोचो, सेकंड्स के अंदर हम कितनी क्विकली कोई साइट को सर्च करते हैं, किसी वीडियो को सर्च करते हैं, है ना? सो व्हाट वी नीड द फास्ट सॉफ्टवेयर्स, एंड द फास्ट सॉफ्टवेयर्स आर द हडूप एंड द स्पार्क. We cannot do this task, हम fastly काम नहीं कर सकते. अगर हम लोग centralized data के साथ काम करेंगे तो also one more point, यहां पर हमारे पास मल्टीमोड यूज होता है. कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीमोड, मल्टीमोड क्लस्टरिंग भी आप इसे बोल सकते हो. बिकॉज मल्टीपल लोकेशन पे डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उन मल्टीपल लोकेशन से अगर हमें कोई डेटा को एक्सेस करना है तो हमें उसे मर्ज करना पड़ेगा, है ना? सो मर्ज करने का मतलब डेफिनेटली द क्लस्टरिंग पार्ट. बट हियर इन द ट्रेडिशनल डेटा वी यूज द सिंगल मोड, बिकॉज डेटा इज प्रेजेंट सेंट्रलाइज्ड. डेटा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड over the different sites, over the different systems. Okay, the most important thing for any company or anything, कोई भी चीज आप किसी भी कंपनी की बात करो, तो सबसे important asset जो एक कंपनी का होता है, that is data. और ये जो सॉफ्टवेयर्स हमने इतने फास्ट या इतने बेटर सॉफ्टवेयर्स जो इंट्रोड्यूस करे, वो पर्पस क्या है? पर्पस है कि डेटा की सिक्योरिटी. The most important asset of any company is the data. अगर कंपनी के पास डेटा है तो वो कंपनी बहुत अच्छी है. अगर वो डेटा को प्रॉपरली सिक्योर नहीं कर पा रही है अपने डेटा को, तो वो कंपनी, वो चीज आपके लिए बेकार है. बिकॉज हर सोशल नेटवर्किंग साइट काम किस पे कर रही है? Amazon का एग्जाम्पल ले लो. Amazon क्या कर रहा है? Amazon एक इंटरमीडिएट पर्सन ही तो है. Amazon कोई प्रोडक्ट को बना नहीं रहा है. Amazon इज अ इंटरफेस बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर,
है ना। सो एमेजॉन ने क्या किया, प्रोड्यूसर्स का जितने भी मल्टीपल प्रोड्यूसर्स थे उनके डेटा को कलेक्ट करा जिसको वो आगे कंज्यूमर्स को पास ऑन कर सके। दैट इज व्हाट द एमेजॉन इज डूइंग। ओके, ऐसे ही आप किसी भी, आपको पता है गूगल प्लस एक ऐप आई थी गूगल प्लस के नाम से, वो ऐप जो है वो क्लोज हो गई, बंद करनी पड़ी। रीजन, क्योंकि लीक हो गया डेटा, कुछ यूजर्स का डेटा जो था वो लीक हो गया, राइट। तो सिक्योरिटी कितना बड़ा पैरामीटर है डेटा के लिए। किसी भी कंपनी का डेटा तभी सिक्योर्ड है जब अगर वो डेटा के अंदर सिक्योरिटी पैरामीटर्स बहुत अच्छे लगे हैं। अगर वो सिक्योरिटी पैरामीटर्स थोड़े से भी लूज हैं किसी भी एंगल से, तो वो कंपनी उस बेसिस के ऊपर फ्लॉप हो सकती है। ओके, गूगल प्लस ऐप इसका एक एग्जाम्पल है। कुछ यूजर्स का डेटा जो है वो इस पे लीक हुआ था, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, है ना। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विद विच वी आर डीलिंग इन द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा इज मैनेजिंग दैट एक्सपोनेंशियल डेटा, बिकॉज द डेटा विच इज प्रेजेंट हियर, द डेटा विच इज प्रेजेंट हियर इन द स्मॉल डेटाबेस इज इंक्रीजिंग डायनामिकली। यहां पर आपका डेटा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। कुछ टेक्स्ट हम ऐड करते हैं, कुछ फोटोज हम लोग ऐड कर रहे हैं, या फिर कुछ भी डेटा जो आप अपने एक सेंट्रलाइज्ड सर्वर के ऊपर ऐड करोगे। बट यहां पर हमारी साइट्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, गूगल पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे डेटा जो है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। एंड अगर डेटा हमारा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा की मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, एंड फॉर दिस रीजन वी आर यूजिंग दी सॉफ्टवेयर्स। यस अनुराधा, करेक्ट, एनटीए हैज पब्लिश द टाइम टेबल 7th October कंप्यूटर साइंस आफ्टरनून सेशन, एब्सोल्यूटली करेक्ट। टिल डेट व्हाट विल हैपन आफ्टर दिस कान से। ओके, यस काव्या, एमेजॉन इज अ टाइप ऑफ थर्ड पार्टी डियर। यस, एमेजॉन एक तरीके का इंटरफेस है। एमेजॉन कंपनी खुद कुछ नहीं बनाती, जबकि आपको सबको पता है कि एमेजॉन का जो मालिक है ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन, है ना। बट ये कंपनी खुद कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रही, राइट। कंपनी खुद कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर रही है, तो कंपनी क्या कर रही है, इंटरफेस है ना, इंटरफेस है। और मेन काम अमेज़न क्या कर रहा है, मैनेजमेंट, बिकॉज हर कंपनी का जो डेटा है वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अमेज़न उसको मैनेज नहीं करेगा तो अमेज़न फ्लॉप है, राइट। सो अमेज़न का काम यही है उस डेटा को मैनेज करना। सो दैट्स व्हाट आई सेड इन द बिगिनिंग, दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट फॉर एनी कंपनी इज द डेटा। सबसे बड़ी कमाई एक कंपनी की उसका डेटा होता है, राइट। ओके, नाउ हमारे पास बिग डेटा में तीन टाइप का डेटा प्रेजेंट हो सकता है। वन इज स्ट्रक्चर्ड, सेकंड इज अनस्ट्रक्चर्ड, एंड थर्ड इज सेमी स्ट्रक्चर्ड। सी, मोस्टली डेटा इज अनस्ट्रक्चर्ड। मैंने आपको बहुत इनिशियली भी बोला कि यहां पे डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, का मतलब नो प्रॉपर फॉर्मैट। कोई भी प्रॉपर फॉर्मैट हम लोग यहां पे फॉलो नहीं करते हैं जब हम लोग बिग डेटा के अंदर डेटा को सेव करते हैं, ठीक है जी। हाँ, कुछ डेटा यहां पे स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, टेक्स्ट के फॉर्म के अंदर हो सकता है, कुछ हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। सेमी स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है ये अब हम देखेंगे। ओके, स्ट्रक्चर्ड डेटा की जब हम बात करें तो बेसिकली फिक्स्ड फॉर्मैट को ये फॉलो करने वाला है। फिक्स्ड फॉर्मैट एक होगा, जैसे अभी हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल लिया था स्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर एसक्यूएल का, या फिर आप बोल सकते हो जहां पे आपके टेबल्स यूज होते हैं, है ना, एंड एसक्यूएल इज यूजिंग द टेबल्स। जिनको इसमें कंफ्यूजन है वो मेरा वीडियो वॉच कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू एसक्यूएल, वहां पे मैंने स्ट्रक्चर्ड डेटा को डिफाइन करा है और कैसे डेटा वहां पे सेव होगा वो भी सब मैंने वहां पे डिस्कस करा है। ओके, सो यहां पर बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी जो मैंने अभी आपको बोला, नाउअडेज द डेटा इज ग्रोइंग ड्रास्टिकली, एक्सपोनेंशियली डेटा बढ़ रहा है, और डेटा ये जो इंक्रीज हुआ है ये पास्ट 4 to 5 years में इंक्रीज हुआ है। 90% डेटा 4 to 5 years के अंदर ऐड हुआ है हमारे इंटरनेट में। इससे पहले डेटा जो था वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म के अंदर ही ज्यादा यूज होता था, मतलब टेबल्स के फॉर्म में ही ज्यादा था, बिकॉज इंटरनेट के अंदर उतना ज्यादा डेटा नहीं था,
राइट right? एंड इसकी जो अब जो रेंज है, मैंने अभी आपको बोला आपके पास पीटा बाइट आता है, एग्जा बाइट आता है, जीटा बाइट आता है, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, इट्स बीइंग इन द रेंज ऑफ मल्टीपल जीटा बाइट्स। द क्वेश्चन फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन कुड बी, किसी वेबसाइट का नाम दे दें आपको, यूट्यूब बोले आपको, बोले एमेजॉन बता दो या फिर फेसबुक बता दो, इन्फॉर्मेशन कितने साइज के अंदर क्या रेंज होती है, तो इट्स मल्टीपल जीटा बाइट, बिकॉज दिस इज पीटाबाइट से बड़ा इज एग्जाबाइट, एग्जाबाइट से बड़ा इज जीटाबाइट। थाउजेंड्स ऑफ पीटाबाइट विल कंबाइन टू फॉर्म द एग्जाबाइट, थाउजेंड्स ऑफ एग्जाबाइट विल कंबाइन टू फॉर्म द जीटाबाइट, है ना। सो मल्टीपल जीटाबाइट्स के अंदर अभी हमारे पास डेटा सेव्ड है, ओके okay? बट अगर हम लोग रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, जहां पर हमारे पास RDBMS इन शॉर्ट, जहां पे हमारा डेटा स्ट्रक्चर्ड है, वहां पर हम लोग टेबल्स को यूज करते हैं, ओके okay? इधर हम लोग बहुत कम यूज करते हैं डेटा को, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट करा, स्ट्रक्चर्ड डेटा आपका टेबल के फॉर्म के अंदर है। यू कैन ऑल सी विद दीज एट्रीब्यूट दैट आर प्रेजेंट अलॉन्ग विद द टपल्स, दीज आर द एंट्रीज दैट आर फिल्ड हियर। इट इज एन एम्प्लॉई टेबल राइट विद द वेरियस इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉइज। ओके, नेक्स्ट इज द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। डेफिनेटली टू स्टोर द बिग डेटा और टू स्टोर बिग, बिग का मतलब क्या है, यहाँ पे बिग हम लोग साइज के लिए बोल रहे हैं, है ना। सो इन शॉर्ट यू कैन से द ह्यूज डेटा को सेव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड। वाई? बिकॉज वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा एट मल्टीपल प्लेसेस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। मनीष, यू कैन सर्च दैट वीडियो, आप SQL इंट्रोडक्शन डालो मेरे नाम से, ग्रेडअप मिल जाएगा आपको, ओके यस मनीष, इसमें आपको बिल्कुल ये वीडियोस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन रहेंगी, आपको चेक कर सकते हो बाद में। इंट्रो हेडिंग जो आप लोगों को मैंने, जैसे SQL इंट्रोडक्शन के नाम से आप लोग सर्च करना, SQL इंट्रोडक्शन बाय पुनीत कौर ग्रेडअप ऐसे लिख लो तो भी आपको मिल जाएगा इजिली, ठीक है। ओके, सो दिस डेटा, द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको फैला के रखा होता है, बिकॉज अगर एक लोकेशन पे रखेंगे तो इट्स डिफिकल्ट टू एक्सेस। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आपके पास सिंपल टेक्स्ट फाइल्स हो सकती है, इमेजेस हो सकती है, वीडियोज हो सकती है, ठीक है। एंड जो कंपनीज हैं, कुछ कंपनीज भी इस पे काम करती है जो इन डेटा की मैनेजमेंट कर रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग बोले कि YouTube के ऊपर डेटा अवेलेबल है दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, तो डेफिनेटली देयर इज सम टाइप ऑफ मैनेजमेंट विच इज डन बाय YouTube एट द बैक एंड, है ना। रैंडम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा हुआ, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है बट उसके पीछे कुछ बैकएंड की स्टोरी है। जैसे कि आप सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले सकते हो, हम लोग सब शॉपिंग करने जाते हैं बिग बाजार, ठीक है, बिग बाजार। अब बिग बाजार में बहुत ज्यादा डेटा है, है ना। अगर बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा बिग बाजार के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, इतनी फूड आइटम्स, इतनी एक्सेसरीज, है ना, इतना टाइप ऑफ ग्रोसरी आइटम्स, उनको सबको कैसे मैनेज कर रहा है, वो मैनेजमेंट डेफिनेटली बैकएंड के ऊपर कुछ सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है जो फॉलो हो रहा है ना। एंड देन उसके ऊपर फाइंड आउट करके ये चेकआउट कर रहे हैं कि क्या कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने सुना भी होगा OLAP, OLTP, राइट। सो ये अप्लाई हो रही है ना, देयर आर सम टाइप ऑफ सपोर्टिंग सिस्टम्स विच आर यूज्ड देयर, दैट इज व्हाट आई वांट टू से, कि डेफिनेटली देयर विल बी सम ऑर्गेनाइजेशंस विच आर वर्किंग टू एक्सेस दैट डेटा सिस्टमैटिकली, ओके। एग्जाम्पल जैसे गूगल सर्च, यहां पे मैंने एग्जाम्पल दिया, यू कैन ऑल्सो से फेसबुक हो सकता है, यहां पर आपके पास यूट्यूब हो सकता है, ट्विटर हो सकता है, आपके पास इंस्टाग्राम हो सकता है, जितनी भी साइट, याहू ले लो आप लोग, है ना। ओके फाइन, सो अलोंग विद दिस देयर इज सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा हमारे पास वो होता है जो यूजुअली XML फॉर्मेट के अंदर होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड। ऐसा मैंने अभी बोला कि जितना डेटा हमारे बिग डेटा के पास है वो डेटा आपका स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्ड है, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा सेमी स्ट्रक्चर्ड है, एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा हमारा अनस्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। बट अगर हमारे पास XML के फॉर्मेट के अंदर डेटा होगा, सो इस टाइप से इंफॉर्मेशन सेव होती है,
right? This is a format, this is a syntax for the XML file. जैसे ये student का save करा हुआ है, age कितनी है and name क्या है, right? So this all is saved here. दोनों formats इसके अंदर हो सकते हैं. आपके पास big data के अंदर data semi-structured भी हो सकता है. Semi-structured में combination हो सकता है दोनों का. Yes, Aditi. You're going to, Nick, you want to ask about the new batch? I'll give you the helpline number, dear. आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, आपको इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड कर दी जाएगी. ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. ये आपको स्ट्रेट क्वेश्चन आ सकता है, इसको मैंने क्वेश्चन के फॉर्म के अंदर भी दिया है. देखो, दिस इज ऑल्सो गिवन हियर इन द क्वेश्चन. These are known as the five V's of the big data. This is one of the expected question for the examination point of view. These are the five V's that are present in the big data, and the five V's are, ye maine yahan pe naam likhe hain. The five V's are volume, variety, velocity, value and veracity. Iske alawa agar aapko koi bhi V question ke andar mention hai, then that is not the V. What are these V parameters? V पैरामीटर्स सिंपली डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टीज हैं ये बिग डेटा की. सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारे पास वॉल्यूम. व्हाट इज द वॉल्यूम? वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ डेटा. व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम सिंपल होता है कितना अमाउंट ऑफ डेटा हमारे पास प्रेजेंट है. ओके, जैसे डेफिनेटली क्रूशियल डेटा है, बहुत ज्यादा हमारे पास जो डेटा है वो एसेट की तरीके से है हमारा. अगर डेटा हमारा एसेट है तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो डेटा हम प्रिजर्व करके रखें, है ना. सो क्रूशियल डेटा की प्रिजर्विंग जो है, दैट इज नोन एज द वॉल्यूम. द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज प्रेजेंट इज वॉल्यूम. नेक्स्ट इज द वेराइटी. Variety, basically, definitely, both categories can fall here. The data maybe is of structured data, or you can say the unstructured data. Her type ka data hai na, ya fir semi-structured. So, jis bhi structure ka data humare paas hai, that is known as the variety. Because the data basically is coming from different sources. बहुत सारी अलग अलग जगहों से डेटा प्रोड्यूस हो रहा है. तो कोई डेटा प्रोड्यूस कर रहा है स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कोई अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, कोई सेमी स्ट्रक्चर फॉर्म में. ऑल राइट, सो दैट इज व्हाट आई रिटन हियर. दे आर कमिंग फ्रॉम द मल्टीपल सोर्सेस एंड दे आर द हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस समझते हो ना? हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप ऑफ, अलग अलग तरीके के सोर्स हैं. Nowadays, data basically is in the format of photos, email, videos, monitoring devices, PDF, audios. ये सारा data हमारा unstructured होता है. Example पूछ लें, अगर आपको NTA NET के question paper में आपसे ये पूछे कि ये बताओ कि हमारे पास जो data है वो unstructured किस case में होगा, या फिर आपका data इनमें से कौन सा unstructured है, तो unstructured में ये सारे जाते हैं भाई. They all are unstructured. राइट, देन दिस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा डेफिनेटली इसको कहीं पे सेव करते हैं. वेयर हाउस आप इसको कोरिलेट कर सकते हो. देन उस वेयर हाउस से डेटा की माइनिंग होती है, जिससे कि हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि किस सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर हम उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. कोई पैटर्न फाइंड आउट करना, कोई ट्रेंड फाइंड आउट करना, जिससे कि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो. जैसे मैंने अभी आपको बिग बाजार का एग्जाम्पल लिया था, तो बिग बाजार ने जितनी भी हिस्ट्री, बिग बाजार क्या कर रहा है, अपने सारे डेटा को एक जगह पे सेव करके रख रहा है. इवन हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल एज इन कि जिन कस्टमर्स ने परचेजिंग कर ली, उन सबको भी एक जगह पे सेव कर रहा है. रीजन, क्योंकि उससे वो ये माइन करेगा, उससे फाइंड आउट करेगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कस्टमर को रिक्वायरमेंट ज्यादा है, है ना, या फिर कस्टमर कौन सी स्कीम्स पे ज्यादा वर्क कर रहा है, किस प्रोडक्ट की सेल ज्यादा हुई,
हाँ, किसके अंदर हमें चेंज चाहिए, तो वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर हम लोग माइनिंग करते हैं. तो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग डेटा इज आल्सो. जितनी भी वेबसाइट्स हैं उन्हें ये पता लग गया, आप एक कस्टमर हो, आप अपने यूट्यूब के ऊपर जो भी चीज सर्च करोगे, अब आपका जो सर्चिंग पैटर्न है उससे आपको ज्यादातर आपके यूट्यूब का जो डिस्प्ले होगा उसके अंदर वही चीजें दिखाई जाएंगी जो आपको पसंद आती है, है ना, बिकॉज उसने एनालाइज करा. दैट मीन्स देयर इज सम टाइप ऑफ मैनेजमेंट व्हिच इज डन एट द बैक एंड टू एनालाइज द कस्टमर, राइट, एंड दिस इज इनडायरेक्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ माइनिंग. ओके, नेक्स्ट द वेलोसिटी. सी हेयर, अभी मैंने बताया द डेटा इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. सो व्हाट इज द वेलोसिटी? दैट इज द एक्सपोनेंशियल वेलोसिटी से हमारा डेटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर, राइट. अकेला हमारा जो फेसबुक है वो ही एक दिन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 400 पीटाबाइट से ऊपर का डेटा प्रोड्यूस कर देता है एक दिन के अंदर, राइट. तो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है डेली बेसिस के ऊपर. इससे बहुत ज्यादा भी हो सकता है, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज, है ना. बट फेसबुक वगैरह की जो यूजेज है वो बहुत ज्यादा है, बिकॉज मिलियंस ऑफ फोटोग्राफ्स, मिलियंस ऑफ साइट्स, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स डेली बेसिस के ऊपर कुछ अपलोड हो रहा है, कुछ हट रहा है, है ना, नई नई चीजें. बट ओवरऑल जो है वो एक्सपोनेंशियली डेटा हमारा मोनोटोनिकली इंक्रीज ही होता है, राइट. नेक्स्ट इज द वैल्यू. वैल्यू का मीनिंग तो आपको जनरली पता है, हाउ इंपॉर्टेंट द डेटा इज, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेटा. ये मैंने अभी बताया कि डेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इफ द कंपनी इज सर्वाइविंग दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द डेटा, एल्स द कंपनी कैन नॉट सर्वाइव. ओके, नेक्स्ट इज वेरासिटी. व्हाट इज वेरासिटी? वेरासिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी, दैट इज द ट्रस्टवर्दी. हाउ मच ट्रस्ट सिंपली यू कैन डू ऑन योर डेटा, कितना ट्रस्ट आप कर सकते हो अपने डेटा के ऊपर, दैट इज नोन एज द वेरासिटी. ओके, सो इसका जो क्वेश्चन था ये 5 V's है भाई. एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सुनो, 5 V's नाम याद रखने हैं आपको, वॉल्यूम, वैरायटी, वेलोसिटी, वैल्यू, वेरासिटी. नाउ द क्वेश्चन हियर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर 5 V's. कौन सा 5 V के अंदर नहीं आता? वॉल्यूम अभी हम लोगों ने डिस्कस करा, वॉल्यूम इज अ पार्ट. नेक्स्ट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी भी हमने डिस्कस करा. नेक्स्ट इज वैरायटी, वैरायटी भी होता है. विजुअलाइजेशन इज नॉट द पार्ट, है ना. तो स्ट्रेट क्वेश्चन आपको पूछा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 V's, या विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम्स अंडर 5 V's ऑफ बिग डेटा, तो दैट इज विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन बेसिकली, मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो विजुअलाइजेशन हमारा डेटा साइंस का पार्ट होता है, ये यहां पे नहीं आता, ठीक है. एंड हियर द डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ चार्ट्स. यहां पर हमारा जो डेटा है वो चार्ट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. ओके, सो विजुअलाइजेशन इज नॉट दिस पार्ट. ग्राफ एंड चार्ट्स में यहां पे डेटा रिप्रेजेंट होता है, फाइन. नेक्स्ट वी कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हडूप के ऊपर क्वेश्चन. Which of the following is a group of tools which is included in the grammatic of the Hadoop, right? मतलब, या फिर आप ये बोल रहे हो genetic of the Hadoop. Hadoop के अंदर इनमें से कौन सा part include होता है, ये आपके पास first question है. Yes, quickly students, you have to tell me the answer. Included in the framework of Hadoop, you can say here, included in the framework of Hadoop. जी, जल्दी भाई आंसर बताओ फटाफट, which of the following is included?
एंड आई डिस्कस्ड अर्लियर व्हाट इज अ हडूप. हडूप क्या होता है? हडूप हमारे पास बिग डेटा का टूल है, हाँ ना, सॉफ्टवेयर है जिससे हम बिग डेटा को एक्सेस करते हैं, सेव करते हैं, दैट इज हडूप. नाउ द आंसर हियर इज द फर्स्ट, मैप रिड्यूस, हाइव एंड एच बेस. मैं रीजन बताती हूं भाई आपको. मैप रिड्यूस, देखो वैसे तो इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स होते हैं, बट हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट इज मैप रिड्यूस? मैप रिड्यूस सिंपल क्या है? डेटा को छोटा करना, डेटा को कॉम्पैक्ट करना. मतलब डेटा को हम डिवाइड करेंगे पार्ट्स के अंदर एंड देन डेटा इज फाइनली रिड्यूस्ड. दिस इज द फंक्शन ऑफ द दिस मैप रिड्यूस इन हडूप. डेटा को पार्ट्स में तोड़ना, देन उस डेटा को फाइनली जो है वो रिड्यूस करना, एंड देन डेफिनेटली वर्क ऑन बैच प्रोसेसिंग. सेकेंड इज हाइव. व्हाट इज हाइव? हाइव बेसिकली इज यूज्ड टू राइट द एसक्यूएल कमांड्स इन हडूप. अगर हम इन केस एसक्यूएल कमांड्स को हडूप में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हाइव यूज होता है. ये भी हमारा डेफिनेटली डेटा प्रोसेसिंग का पार्ट है. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डेटा प्रोसेसिंग. एंड द लास्ट इज एच बेस. व्हाट इज एच बेस? बेस से आपको मतलब पता लग रहा होगा, दिस इज टू स्टोर द डेटा. हमें डेटा को यहां पे स्टोर करना है. These are the three tools. MySQL इसके अंदर नहीं होता, Google App भी इसके अंदर नहीं होता. Google App basically वैसे cloud का part है. Google App is a part of cloud. REST, Hummer, these I don't know. Heron, Trumpet, ये इसके अंदर नहीं होते हैं. Hello Nidhi. Divin Paul, he is asking that will NTA conduct December session? Yes, if they are conducting the examination, in October, so there's a probability maybe the next exam will come up in December or in January, because the results will be out soon. है ना, जैसे ही रिजल्ट आपके आउट हो जाएंगे, नेक्स्ट एग्जामिनेशन का ओपनिंग वो साथ ही खोल देते हैं, फॉर्म फिल करने का साथ ही खोल देते हैं. एंड आप देख ही सकते हो इतने शॉर्ट नोटिस के अंदर एग्जामिनेशन अभी भी तो हो रहा है ना. सो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत लंबा पीरियड देना है. हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन जनवरी तक, दिसंबर जनवरी तक हो जाए, एक्सपेक्टेड तो है. ऑलराइट, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन. Which of the following does not define the Hadoop? Hadoop के ये जो यहाँ पे question है, they all are the features. ये भाई Hadoop के features हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. तो ये discuss करती हूँ भाई एक एक करके. Yes, correct. Hadoop is the open source. बिल्कुल Hadoop open source होता है. Source is easily available. And yes, it is following the Java based. ये भी इसका feature है. Directly आपको feature के ऊपर question आ सकता है. Java based है Hadoop. And real time. No, Hadoop is not real time. अभी मैंने आपको पीछे बोला था, एक नाम और लिया था मैंने इसके साथ, Spark. Remember that Spark is real time. Although ये भी big data के ऊपर ही है, ये भी big data के अंदर ही आता है Spark वाला भी, but Spark real time है. और अगर हम लोग Hadoop की बात करते हैं तो Hadoop is supporting batch processing. Hadoop is supporting batch processing. And definitely distributed computing approach तो इसके अंदर है ही है, क्योंकि मैंने अभी बताया था जितना भी डेटा हमारे पास होता है उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इंटू द डिफरेंट साइट्स. बिकॉज अदरवाइज अगर हम डेटा को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं तो ट्रैफिक इंक्रीज हो जाता है ना. सो एक ही उसके ऊपर ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो ट्रैफिक जैम होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है. So from here you can learn the basic features of the Hadoop also. Hadoop open source होता है. Open source का simple meaning अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो ये Apache में available है. आप simple इसको download कर सकते हो.
It is available on Apache. You can download, go and download it. Definitely, the simple minimum criteria is the configuration of the system. The system configuration should be good in order to download Hadoop. It is open source. Right? Java based hai ye application and it is distributed computing. One job, multiple processors are like, I mean, if there are multiple processors, one job is working on multiple processors. Kyunki target yahan pe kya hai? Itna agar huge amount of data hai, to target hai ki zyada kaam kam time ke andar karna hai. To distributed computing approach mein hum log kya karte hain? Ek job ko multiple processors ke upar distribute kar dete hain. They all are what? They are the processors. Right? So one job is distributed on multiple processors. That is what the meaning of distributed computing here. All right. Apart from this, the question can be, aap se warehouse ka question bhi iske saath link karke pooch sakte hain. Jaise aapko ye bole ki, what do data warehouse support? Isme aur warehouse mein kya difference hota hai, ye bhi main aap logon ko bataungi. Coming videos ke andar. But what do data warehouse support? Data warehouse kisko support karta hai? Agar mere paas ye option hote, OLAP, OLTP, OLAP and OLTP. And the last option is, let's say the operational database. Hanji. So data warehouse kisko support karta hai? Jaise maine abhi aapko abhi hi example diya tha Big Bazaar ka. Remember, maine aapko kya bola? Big Bazaar kya kar raha hai? Bahut sare collection of data ko ek place ke upar save kar raha hai na? Kyunki uske different different outlets hain. Different different outlets pe ek din mein kitni sale hui, un sab ko wo collect karega ek place ke upar. ठीक है. अब उसने वो कलेक्शन क्यों करा? बिकॉज ही विल बी डूइंग द एनालिसिस ऑफ दैट डेटा एंड दैट एनालिसिस ऑफ द डेटा इज डन बाय ओलैप. और वो एनालिसिस क्यों कर रहा है बिग बाजार? बिकॉज उसने ये फाइंड आउट करना है दैट व्हाट इज द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ एवरी कस्टमर. One thing. Second, what are the data item that are purchased more? What is the quantity of the purchase? है ना? एंड किस कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके ऊपर हम कस्टमर को रिटेन कर सकते हैं? ऐसा होता है ना कि आप कहीं पे शॉपिंग करने के लिए गए तो वहां से नेक्स्ट आपको मैसेज आने लग जाता है कि इतना परसेंट ऑफ है इस पे, इन दो आइटम्स को परचेज करने पे थर्ड ये ऑफ है. सो व्हाट इज दैट? दे आर अट्रैक्टिंग द कस्टमर एंड हाउ डिड दे गेट टू नो दैट दिस अट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट? दिस इज बिकॉज ऑफ द ओलैप. व्हाई? बिकॉज द एनालिसिस which is done on the data is done on the historical data. आप सामान लेके चले गए, आपका बिल बन गया, काम खत्म हो गया, बट आपने क्या क्या परचेज करा वो एक जगह पे सेव है. होता है ना ऐसा, आप बिग बाजार जाते हो तो आपके बिल को आपका मोबाइल नंबर लेते हैं, कुछ कुछ डिटेल्स आपसे लेते हैं, यूजुअली मोबाइल नंबर, एंड देन उसके बाद आपको वो एक बिल जनरेट करके दे देते हैं. सिंपल. अब उस बिल के अंदर जो भी आइटम्स आपने ली वो एक एक कॉपी उसकी उनके सिस्टम के अंदर भी सेव है. राइट? तो मतलब सिस्टम पे वो क्यों सेव कर रहे हैं? बिकॉज लेटर ऑन वो ये फाइंड आउट करेंगे कि कस्टमर किस चीज से अट्रैक्ट हो सकता है. राइट? सो व्हाट इज दैट दैट टूल विच इज वर्किंग ऑन दिस इज ओलैप बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. एंड अगर हम ओएलटीपी की बात करते हैं तो ये प्रेजेंट डेटा के ऊपर काम कर रहा है. इसको किसी चीज से मतलब नहीं है. जैसे आपका बिल निकलता है, है ना, तो आपका बिल निकला तो ये जो अभी बिल निकला, देयर इज सम पर्सन जो सिटिंग एट द बैक एंड जो बिल को चेकआउट कर रहा है, ओके ओके दिस इज दिस आइटम, ऑल राइट, बिल आपको दे दिया. अब ये ओएलटीपी की ड्यूटी है कि इस डेटा को कहीं पे सेव कर देगा एंड देन उस सेव डेटा के ऊपर एनालिसिस करेगा ओला बिकॉज इट इज वर्किंग ऑन द हिस्टोरिकल डेटा. ऑल राइट? सो ये भी आप एक क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन कुछ. या फिर एक चीज और यहां पर हम देख सकते हैं,
वर्ल्ड लार्जेस्ट जो हडूप क्लस्टर है वो फेसबुक का है. फेसबुक हैज वर्ल्ड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्लस्टर, क्योंकि मैंने अभी भी बोला था कि फेसबुक के अंदर सबसे ज्यादा डेटा एक दिन का, अगर हम एक एवरेज निकालते हैं तो एक डे के हिसाब से सबसे ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो एड ऑन हो रहा है वो फेसबुक से हो रहा है. अप्रोक्सीमेटली मोर देन 400 पीटा बाइट ऑफ डेटा, विच इंक्लूड्स द फोटोज, वीडियोज, है ना, एनी वेबसाइट. तो वो सब कुछ जो है वो डेली बेसिस के ऊपर इतना डेटा जनरेट होके एड ऑन हो रहा है. तो फेसबुक सबसे बड़ा हडूप का क्लस्टर बना रहा है. All right. These are some of the important questions that you can expect in the upcoming examination. Also, ये जो मैंने features आपके साथ discuss करे थे, ये important हैं भाई. ये features की आपका data कैसा होता है initially? Yes. What is the big data? कितना amount of क्या इसकी unit होती है? कितना amount of data daily basis पे produce हो रहा है? कैसे हम data को save करते हैं? ठीक है? Also, how can you compare the big data with the small data? इनमें क्या difference होता है? These type of questions you can expect in the upcoming examination. Yes, anybody any doubt? Yes, students, anybody any doubt? Before leaving, do not forget to like the video. Do like the video, students. For any helpline, you can contact this number. For any further query, you can contact this number 9650529 04. For query, you can contact the grade up. They will help you out. Okay, so we will be meeting on Tuesday. With the new concept, with the previous year questions of computer network, right? So do not forget to join the video on Tuesday. With the previous year questions of computer network, 11:30 a.m. Okay, thank you so much.